तो दोस्तों अब तक आपने बहुत सारे सिंपल नेक बनाए होंगे जिनको आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर लुक देना बताएंगे। तो हमारा नेक यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है। हो सकता है आपका नेक कुछ अलग प्रकार का भी हो, आप उसे अपने हिसाब से एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो इस नेक को डिज़ाइनर लुक देने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर अपनी कुछ इस प्रकार की और इस प्रकार की लेस यूज़ करने वाले हैं। इसकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर लुक वाला नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह के नेक को डिज़ाइनर लुक देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो कुर्ती के बीच सेंटर में आपको इस तरीके से एक मार्क लगा देना होगा सीधा। और सीधा मार्क लगाने के बाद में दोस्तों आपको ऊपर से 14 इंच पर एक सीधा मार्क इस तरीके से लगाना होगा। देखिए ये हमने 14 इंच पर मार्क लगा दिया है, अब हम इसे डिज़ाइनर लुक देंगे। तो दोस्तों पहले हम अपनी इस प्रकार की लेस को यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों ये लेस आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, आप चाहें तो इससे हटकर भी लेस का कलर ले सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस तरीके से नेक के किनारी पर इसको रखते हुए सिलाई लगाकर अटैच करना होगा। तो ये हमारे नेक का जो है 20 सेंटर आ गया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस लेस को इस तरीके से जो आपने निशान लगाया है उस निशान से इधर की साइड पर लेस को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में दोस्तों आप जब यहाँ आ जाएं, देखिए यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मशीन को रोक लें और रोकने के बाद ये जो लेस है आप इसको इस तरीके से यहाँ पर डबल कर लें, जो आपका 14 इंच का निशान है यहाँ पर इस तरीके से रखकर नोक बनानी है। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी कुछ इस प्रकार की नोक बना ली है और अब हम इसे सिलाई से अटैच कर देते हैं। तो ये हमने अपनी लेस की एक साइड पर अंदर वाली पे किनारी की सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों हम जो बाहर वाली किनारी है इस पर भी सिलाई नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसके बराबर में आपको लेस फिर से लगानी है, लेकिन उसके बीच में आपको इतनी गैपिंग छोड़नी है जिसमें बीच में आपकी मोती वाली लेस फंस जाए। और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी लेस को मोड़ना है। और मोड़ने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर एक नोक इस तरीके से बनानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल 20 सेंटर में पहले तो आ जाएं इस तरीके से। देखिए आने के बाद में आपको इस तरीके से लेस को उठाना है और उठाने के बाद में इसके ऊपर इस तरीके से फिर से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में ये जो सेंटर आपका बना है इस सेंटर से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत ही बेहतरीन कोना बनकर तैयार हो गया है। अब हम सेम इसी तरीके से लेस अपनी दूसरी साइड पर भी लगा देंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों देखिए ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस लग गई है। इसके बाद जो ये हमने अपनी बीच वाली गैलरी छोड़ी है इसमें हम अपनी मोती वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए काउंटर पर। तो दोस्तों ये हमारी मोती वाली लेस है, ये आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। और इसको आप किस तरीके से अलग कर सकते हैं देखिए, तो ये हम यहाँ पर अपनी एक एक लाइन करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने अपनी मोती वाली लेस को बिल्कुल अलग कर लिया है। और अलग करने के बाद में पहले तो हम अपनी बाहर वाली साइड पर इस तरीके से इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका देंगे और फिर उसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ और एक 20 सेंटर में हम फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मोती वाली लेस लगाकर हमने यहाँ पर अपने सिंपल से नेक को बिल्कुल डिज़ाइनर लुक में तैयार कर लिया है। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।